ये हमारा प्लेनेटरी मिक्सचर है जिसके अंदर हम शैम्पू हो गया जो लिक्विड आइटम्स होते हैं वो हम इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सारे कंटेनर्स यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे पूरी फिलिंग हो रखी है। यहाँ पे हमारा ये फिलिंग एरिया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे शैम्पू की फिलिंग हो रही थी। अभी शैम्पू की फिलिंग हो गया, सब कुछ हो गया, बस ये अभी श्रिंक होकर के एफजी में कन्वर्ट हो रहा है। रोज एंड कार्डमोम का सोप है हमारा। ओके, जैसे हेलो गाइस, स्मार्ट मार्केट में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आपको लेके आई हूँ कॉस्मेटिक की फैक्ट्री में, जहाँ से सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो सर से मिल लेते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? हाय, कैसे हो आप? बढ़िया सर, अपने बारे में थोड़ा बताइए। तो हमारी कंपनी का नाम है सेज अपोथेकरी जी। सेज मतलब जिसको पुराना ज्ञान हो, अपोथेकरी मतलब दवाखाना जी। ये फैक्ट्री, ये हमारी फैक्ट्री स्थित है 516 सेक्टर 57 सेक्टर 37 गुरुग्राम हीरोंडा चौक से 5 मिनट की दूरी पे और हुडा सिटी सेंटर से 15 मिनट की दूरी पे। यहाँ पर हमारे पास 3 लाइसेंसेस हैं। हमारे पास आयुष कॉस्मेटिक FDA और फसाए का। फसाए में आप चाय वाय बना सकते हो हमसे। आयुष के लाइसेंस में हम आपसे दर्द निवारण तेल बनवा सकते हो, पोटली बनवा सकते हो, इस तरीके के प्रोडक्ट बनवा सकते हैं आप। और कॉस्मेटिक के अंदर तो आप जनरल ब्यूटी के प्रोडक्ट बना सकते हो, जो जनरल क्लेंजिंग या फिर परफ्यूम्स बनवा सकते हो या फिर कलर कॉस्मेटिक्स भी बनवा सकते हो। बेसिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे। करने का स्टाइल 3 तरीके का है। या तो आप OEM, ODM और OPM। OEM होता है अंदर का प्रोडक्ट, OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर की हमने अंदर का प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं आपको। हाँ जी। ODM हो गया ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर की हम आपको सबको डिजाइन करके आपका ब्रांड बना के देंगे आपको। ओके। OBM होता है कि हम अपना ब्रांड बना रहे हैं, आप उसको रीसेल कर सकते हो। ओके, राइट, ठीक है। बाकी अगर कस्टमर की बात करो तो वो आपसे डील कैसे कर सकते हैं? राइट, तो बेसिक आपके द्वारा जो हमें श्रोता मिलेंगे वो हमें व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल डाल सकते हैं। एक बार कॉल जरूर करें जी। कॉल करें, और अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि उनको अपनी टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए कि उनको बेचना क्या है और बनवाना क्या चाहते हैं। आपको सबसे बड़ी चीज यही पता होनी चाहिए कि मार्केट में आप रिसर्च करके आइए कि क्या है। कि अगर आपको लग रहा है कि 5 ग्राम की लिपस्टिक है, कोई 2.5 ग्राम की नहीं लिपस्टिक कर रहा, 2.5 ग्राम की लिपस्टिक बना के 16 वेरिएंट निकाल लो, ये बड़ी चीज स्ट्रैटेजी है। कुछ ब्रांड्स ने निकाली, उनकी 2-2 करोड़ की सेल्स होगी इस चीज में। आपको ये गैप इन द मार्केट पकड़ के आना है। तो बिजनेस इज गैप इन द मार्केट। अगर आपको गैप समझ आ गया तो मतलब आपने बिजनेस बना लिया अपना। वो गैप बनाइए, प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे हम। आपने अपनी फैक्ट्री डालनी नहीं है, आपकी फैक्ट्री है सेज। आप आइए, आप हमें हायर करिए, हम आपके प्रोडक्ट्स बना के देंगे आपको। क्या बात है। बाकी सर, जैसे कि आपकी फैक्ट्री में कैसे कैसे काम होता है थोड़ा बताएंगे? जी जी, तो आप ऊपर जाएंगे, आप बिल्कुल पूरी फैक्ट्री का टूर लगाइए जी। हमारी QC से लेकर एंट्री से लेकर एग्जिट तक आपको पूरा दिखेगा। सब कुछ मैकेनाइज्ड है, सब कुछ ऑर्गेनाइज चल रहा है। यहाँ पर डस्ट प्रूफ है, डस्ट कंट्रोल्ड एनवायरमेंट है, HVAC यूनिट्स लगे हुए हैं, सब पूरी थॉरली कंट्रोल्ड और क्लेंज्ड एनवायरनमेंट है। हमारे पूरी की स्पेकुलेशन होती है, माइक्रोबायोलॉजी लैब है, QC लैब्स है, RMQC लैब है, कलर कॉस्मेटिक की अलग लैब है, माइक्रोबायोलॉजी की अलग लैब है। ये सब हमारे प्रोडक्ट को कंट्रोल करने के लिए है, ताकि हम हर बार एक समान प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट बनाने की आपको रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर सकें। क्या बात है सर, जैसे कि मैं पीछे देख रही हूँ, आई होप ये सर्टिफिकेट्स हैं और कैसे जी, जी, जी. बताएंगे थोड़ा। जी जी, ये प्रोडक्ट्स जैसे आप देख रहे हो, सर्टिफिकेट ये सरकार के दिए हैं, बाकी सारे हमारे कस्टमर्स के हैं, काफ़ी सारे कुछ हमारे अपने ब्रांड्स के हैं जो फ्लिपकार्ट वगैरह ने दिए हुए हैं। तो ये सब कुछ है कि हमने जिन जिन लोगों की मदद करी, जिन जिन लोगों को सिखाया सरकार द्वारा, जिन जिन लोगों को हमने सिखाया। क्या बात है। तो सर कितना टाइम हो गया आपको बिजनेस के? हमें करते हुए अराउंड 2016 में हमारा पहला लाइसेंस था, अब हम 2023 में 24 में बैठे हुए हैं। तो बस अब और काम करना है। अब हमने कलर कॉस्मेटिक्स का एक नींव लगाई है। कलर कॉस्मेटिक्स में हम ज्यादा काम करना चाहते हैं, पेट केयर में हम ज्यादा काम करना चाहते हैं। परफ्यूमरी एक बड़ी अच्छी लाइन है, जैसे आप जानते हो पॉपुलेशन बढ़ रही है, नए नए ब्रांड्स नए नए प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं। हम कुछ चाहते हैं कि हमारे कितने सारे ब्रांड्स तो बिक चुके हैं और ऐसे कई सारे ब्रांड्स आए जो और आए और आगे बिके भी और अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइड करके दें। कौन तो कौन से ब्रांड्स में आप वर्क करते हैं? हम काफ़ी सारे थर्ड पार्टी ब्रांड्स करते हैं, जैसे जिनका भी अपना नाम सुनो, नाइका हो, पर्पल हो, ओबन क्लैप हो, शॉपर स्टॉप हो, सबके लिए हम बनाते हैं। और भी कई 200 ब्रांड्स हैं जिनके लिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं। वाओ, बहुत अमेजिंग सर। जैसे मैं प्रोडक्ट्स देख रही हूँ, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा बताएंगे प्रोडक्ट का? जी जी, तो जैसे आप देख रहे हैं बॉडी केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम यहाँ पर, सोप्स बनाते हैं, ग्लिसरीन, हाँ जी, राइट, क्लेंजिंग मिल्क्स बनाते हैं हम यहाँ पर, कैरियर ऑयल्स बनाते हैं, एसेंशियल ऑयल्स बनाते हैं, मास्क बनाते हैं, पेन रिलीफ ऑयल्स बनाते हैं, बॉडी लोशन बनाते हैं, हेयर ऑयल्स बनाते हैं, राइट, कॉम्बो पैक्स भी बनाते हैं, पोटलियाँ भी बनाते हैं, ओके, राइट, नेल पॉलिशेस भी बनाते हैं, लिपस्टिक्स भी बनाते हैं हम, इसके अंदर परफ्यूम्स भी बनाते हैं, डिफ्यूजर ऑयल्स भी बनाते हैं, पेट शैम्पू भी बनाते हैं। तो ए टू जेड हर एक प्रोडक्ट बनाते हैं? करेक्ट करेक्ट, हम सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर। क्या बात है, बना के दे सकते। तो चलिए फिर हम देखते हैं आप फैक्ट्री। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।
तो गाइज मैं अब आपको क्वालिटी मैनेजर से मिला दी। मैम कैसे हैं? फाइन मैम, आप कैसे? गुड गुड। जी आई एम अपूर्वा फ्रॉम सेज अपोथिकरी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, माय डेजिग्नेशन हियर इज अ क्वालिटी मैनेजर। ओके, ठीक है, हम आपको लेके आ रहे हैं क्वालिटी एरिया में। ओके, जहाँ पे देखिए ये हमारी माइक्रो लैब है। ओके, जिसमें हम लोग अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं। हाँ जी। कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन के लिए। ओके, ठीक है, ये जैसे कि होता है आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग अपना सैंपल को प्लेस आउट करते हैं। हम ये एरिया लेमिनार एयर फ्लो होता है, इसके अंदर हम लोग अपना सैंपल रखते हैं। सैंपल रखने के बाद यहाँ से हम सैंपल माइक्रोबियल इंक्यूबेटर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओके, ये हमारी माइक्रोबियल टेस्टिंग की लैब है। ओके, जहाँ पे हम लोग उसी माइक्रोबियल टेस्टिंग को करने के बाद में हम डिटरमाइन करते हैं शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, कि हमें कितनी रखनी है। ठीक है, साथ ही हमारा क्वालिटी का कंट्रोल सैंपल रूम है। okay. जितने भी हमारा आरएम हो गया, पीएम हो गया, बल्क हो गया, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज का हो गया, अपना ब्रांड हो गया, सभी का हम यहाँ पे कंट्रोल सैंपल स्टोर करके रखते हैं। ओके, ठीक है, उसके साथ हमारे डॉक्यूमेंटेशंस भी यहीं पर। इन सब में कितना टाइम लग जाता होगा मिनिमम? किस चीज के लिए मैम? पूरा प्रोसेसिंग करने में। मैम हम उस बल्क की टेस्टिंग करते हैं कि आइदर इट इज अप्रूव्ड और नॉट। अगर हमारी साइड से अप्रूव्ड होता है तभी हम लोग प्रोडक्शन में बैच लेते हैं। ओके, प्रोडक्शन बैच होने के बाद में, बनने के बाद में, प्रोडक्शन होने के बाद में फिर दोबारा से हमारे पास टेस्टिंग होने के लिए आता है। कि जी मैम, तो अब ये सीजी तो आपने मुझे दिखा दी, नेक्स्ट क्या होने वाला है? नेक्स्ट हम लेके चलते हैं आपको प्रोडक्शन एरिया में। हमारा प्रोडक्शन एरिया है। ओके, जहाँ पे हमारे बैचेस का प्रोडक्शन होता है, बैच बनता है। ओके, ठीक है, ये हमारा प्लेनेटरी मिक्सर है। Okay. जिसके अंदर हम शैम्पू हो गया, okay. जो लिक्विड आइटम्स होते हैं वो हम इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके, ये हमारा बल्क क्वांटिटी के लिए होता है। इसमें कितने लीटर कम से कम आता है? ये हमारा 1000 लीटर। 1000 लीटर, ये 500 लीटर का। ये 500, ओके। उसके साथ में ये हमारा ऑइंटमेंट सेक्शन डिवीजन है। हाँ जी, जिसमें हमारा ऑइंटमेंट हो गया, कोई बॉडी लोशंस हो गए, वो सब हमारा इस मशीन में बनता है। ऑल राइट, इस मशीन का प्रोसीजर होता है कि एक ऑयल फेस टैंकर होता है, एक वाटर फेस टैंकर होता है, दोनों का मटेरियल हीट होता है। हीट होने के बाद सेक्शन पंप के थ्रू मटेरियल इसके अंदर आता है, फिर उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग होती है। ओके, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्शन, ये हमारा प्रोडक्शन एरिया है। और जब हमारा बल्क बन जाता है, हाँ जी, मटेरियल बन गया, मटेरियल रेडी हुआ जी, उसके बाद ये लोग टेस्टिंग करते हैं जी। ये पहले ये अपने टाइम पे ये टेस्टिंग करेंगे फर्स्ट टाइम। ओके, आइदर इज पीएच इज ओके और नॉट। उसके बाद में हमारे पास क्यूसी में आता है वो सैंपल अप्रूव्ड होने के लिए। ओके, क्यूसी अप्रूव्ड करती है, देन फर्दर स्टेप होती है हमारी प्रोडक्शन से फिलिंग में जाता है। ओके, अब फिलिंग का आपका प्रोसेस। अभी क्या होता है कि जब हमारा प्रोडक्शन हो जाता है जी, तो उसको स्टोरेज करने के लिए हमारा एक क्वारंटाइन एरिया होता है। ठीक है, इसमें हम लोग अपना बैच बना करके यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर इसको सेट करके रखते हैं। तो ये आपका फिलिंग एरिया फुल्ली डेवलप्ड है, बिल्कुल क्लीन एकदम से रहते हैं और पूरा सब कुछ मटेरियल हमारा ढका हुआ रखा रहता है। क्रीम एंड शैम्पूस वगैरह इन या देख सकते हैं आप कि सब कुछ स्टिकर प्रॉपर लगा रहता है कि हमारा इस बैच इसके अंदर क्या क्या मटेरियल रखा, कितने केजी का, सब कुछ एवरीथिंग मैम, सब कुछ मेंशन होता है इसके ऊपर। ओके, ठीक है, आप देख सकते हैं काफी सारे कंटेनर्स यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे पूरी फिलिंग हो रखी है यहाँ पे। और जैसे हमने बाहर देखा प्रोडक्शन हाउस, जी मैम, जैसे कि यह फिलिंग एरिया है हमारा। हमारा ये फिलिंग एरिया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी शैम्पू की फिलिंग हो रही थी। ओके, अभी शैम्पू की फिलिंग हो गया, सब कुछ हो गया, बस ये अभी श्रिंक होकर के एफजी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, ये हमारा शैम्पू है। हाँ जी, जिसको अभी ये लोग श्रिंक कर रहे हैं, श्रिंक करके एफजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके जी, तो काफी सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। और कितने सारे मैम टीम के मेंबर्स होंगे यहाँ पे अप्रॉक्स? यहाँ पर मैम हमारी जो एम्प्लॉयज की टीम है, वर्कर्स की जो टीम है, वो 120 वर्कर्स हैं। ओके, जो पर डे यहाँ पे वर्क करते हैं। क्या बात, और 50-60 स्टाफ भी है जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ओके जी, ठीक है, आगे चलते हैं मैम। ये मैम हमारा ट्यूब फिलिंग एरिया है, जहाँ पे क्या करते हैं हम ट्यूब की फिलिंग करते हैं। ओके, ये क्या होता है हमारा, ये हॉपर होता है, यहाँ पे हम लोग मटेरियल को अपने को प्लेस करते हैं। जी, उसके बाद यहाँ पे ये हमारे इसके सक्शन ये होते हैं, इसके डिविजन्स होते हैं जिसमें हम लोग अपनी ट्यूब को कैविटी में अंदर फंसाते हैं। Right. ट्यूब को कैविटी के अंदर फंसाने के बाद मटेरियल होपर से निकलता है। तो जैसे कि मैम ये आपकी ट्यूब है, ये फिल हो चुकी है? यस मैम, ये हमारी ट्यूब फिलिंग हो चुकी है। उसके बाद में ये प्रॉपर सीलिंग होने के बाद में ये हमारे पास यहाँ से निकलता है। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग डायरेक्टली इसी टर्न पे बैच कोडिंग करते हुए हम लोग एफजी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैच कोडिंग वगैरह हो रही है और फिर वहाँ पे डायरेक्ट आपकी पैकिंग हो रही है। यहाँ पे डायरेक्ट हमारी पैकेजिंग हो जाती है। मैम आप कहाँ पे लेके आए? मैम ये मैं लेके आई हूँ आपको सोप के प्रोडक्शन एरिया। ओके, यहाँ पे हमारी सोप की प्रोडक्शन होती है। ओके, ये हमारी जैकेटेड कैटल्स है जिसके अंदर सोप को हमें मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद उसका पूरा बैच बनता है। बैच को हम लोग क्या करते हैं, ट्रेस के अंदर पोर करते हैं। ओके, फिर उसको हम ठंडा करते हैं। जैसे कि आप देख
सकते हैं यहाँ पे ट्रेस रखी है, इसके अंदर पोर किया जाता है, इसके अंदर हम लोग पोर करते हैं मटेरियल को। ये लिक्विड मटेरियल जो निकलेगा जैकेटेड केटल से, वो लिक्विड मटेरियल निकलेगा। ओके, उसको हम पोर करेंगे ट्रे के अंदर। उसके बाद में इसको हम विद इन 24 आवर्स के लिए हम इसको सूखा करने के लिए रखेंगे, मीन्स सॉलिडिफाई करने के लिए रखेंगे। सॉलिडिफाई होने के बाद में हम इसको हैंडमेड कटिंग करते हैं। ओके, जैसे डिपेंड करता है ये हमारे पैक साइज के ऊपर कि हमारे सोप का क्या पैक साइज है। तो ये अलग अलग फ्लेवर्स की होती है ये? यस मैम, ये अलग अलग फ्लेवर्स है हमारे। ओके, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक सोप बन के रेडी है, ये रोज एंड कार्डामोम का सोप है हमारा। ओके, जैसे आप देख सकते हैं वो अलग अलग कलरिंग भी है, मतलब कलरिंग भी अलग है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे कटिंग होके रखा हुआ है, वो डिपेंड करता है हमारे पैक साइज के ऊपर, तो उसी अकॉर्डिंगली हम लोग अपना यहाँ पे सेट करते हैं। ओके, तो ये मशीन है जिसमें की कटिंग होती है? ये हैंडमेड कटिंग है, हैंडमेड सोप कटिंग मशीन है। ओके जी, काफी आप देख सकते हैं फ्लेवर डाल जाता है उसमें, आपकी फ्रेग्रेंस भी रहती है जो कि बहुत ही अच्छा होता है जी। आगे देखते हैं मैम, फ्रेग्रेंस के साथ साथ हम लोग एसेंशियल ऑयल भी मिक्स करते हैं। ऑलराइट मैम, ये जैसे कि आपके पीछे ये हमारा सोप का रिकवरी होता है। ओके, जब हमारा बैच दोबारा से रिटर्न होता है तो हम उसी सोप की रिकवरी निकालते हैं और फिर हम उसको मिक्स करके दोबारा से उसी बैच को ले लेते हैं। ओके, अब इसके बाद देखते हैं आगे। उसके साथ साथ हमारा यहाँ पे सोप की पैकिंग होती है। ओके, ये सोप पैकिंग मशीन है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सोप का पैकिंग का रोल लगा लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये पैकिंग का रोल लग जाएगा, उसके बाद यहाँ से हमारा सोप डिविजन्स में सेट करते हैं। ओके, यहाँ पे डिविजन्स में सोप को सेट करके इधर से ये पोली चलता है, उसके साथ साथ ये श्रिंक होने के बाद में आप देख सकते हैं कि इस टाइप का ये निकलता है। ओके, तो ये पूरा पैक यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से हमारा ये सोप ऐसे निकलता है। हम इसको फिर यहीं पर ही एफजी कर लेते हैं। ओके, तो यानी कि पूरा प्रॉपर पैकिंग यहाँ से हो जाती है? प्रॉपर पैकिंग हमारी यहीं से होती है। ऑल राइट, बाकी इसमें कितना टाइम लगता होगा अप्रॉक्स? किस चीज़ के लिए मैम, पैकिंग होने में? मैम ये पैकिंग तो आपको 2 सेकंड लेता है। डिविजन्स में हम लोग सोप को रखते हैं और पैकिंग होता चला जाता है। पर डे हमारा 5,000-10,000 पीस हमारा निकलता है। वाओ, दिस अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं हम, अभी हम मैम आपको लेके चलते हैं R&D एरिया। ओके, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, जितना भी NPD फॉर्मुलेशन होती है यहाँ पे हमारी सारी ड्राइव्ड होती है, फॉर्मुलेट्स होती है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी कोई भी नया फॉर्मुलेशन या फिर हम कुछ भी माइंड में जो भी हमारा आता है, मार्केट में जो भी कुछ न्यू ट्रेंड होते हैं, हम उसका यहाँ पे सब पहले R&D करते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैच बना रहे हैं, जो आप बैच बनाए फेस वॉश का ये बैच ले रहे हैं। थोड़ा बताएंगे R&D होता क्या? R&D क्या होता है मैम, दैट इज अ रिसर्च। ओके, ठीक है, न्यू आइडियाज जनरेट करना। okay. किसी भी प्रोडक्ट को लेके अगर मार्केट में कुछ अलग है तो हम उससे थोड़ा सा हटके अपना थोड़ा सा न्यू वर्जन दे दें। दैट्स R&D। कुछ भी न्यू करना, तो यहाँ पे रिसर्च हो रही है जितना आप देख रहे हैं। या ठीक, ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन हो रहा है और ये अभी हमारा इधर जो डिवीजन है ये पर्सनल केयर का लिए है और जो इधर साइड में है वो हमारा कलर कॉस्मेटिक्स के लिए है। कलर एंड कॉस्मेटिक्स, कलर कॉस्मेटिक्स में हम लोग नेल पेंट्स हो गया, लिपस्टिक हो गया, मस्कारा हो गया जी, ये सब हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब हमारी नेल पेंट्स यहाँ पे अभी हम लोगों ने ट्रायल में चल रहे हैं, NPD में चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे ट्रायल के लिए सब यहाँ पे मतलब कॉस्मेटिक एंड कलर वगैरह का जी। Okay. उसके साथ साथ हम लोग अभी पैक केयर भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पैक केयर का भी हमारा NPD चल रहा है। ओके, ये साथ क्या होता है, जब हमारा पर्सनल केयर का किसी भी प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, मींस की बैच ले लेते हैं, R&D बैच लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं। ओके, इंक्यूबेटर में रखते हैं, ह्यूमिडिटी चैम्बर में रखते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में अगर हमारा मटेरियल जाएगा मार्केट के अंदर तो वो प्रॉब्लम में तो नहीं आएगा, कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से हमारे प्रोडक्ट में वेरिएशन तो नहीं आएंगे, उसके लिए हम पहले ही अपना प्रोडक्ट की स्टडी करते हैं। ओके जी, तो अभी कितने टाइम तक रखना होता है इसको? ये मैम हमारी डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए रखना, कि डिपेंड करता है स्टेबिलिटी स्टडी के ऊपर। ओके, कि 6 मंथ्स की हमें स्टेबिलिटी स्टडी करनी है या फिर 12 मंथ्स की करनी है या फिर 7 डेज की करनी है, वो डिपेंड करता है, उसी के बेस पे हम लोग टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हम इसको सेट करके रखते हैं। ऑलराइट, बाकी वहाँ पे क्या काम चल रहा है? ये मैम हमारा विस्कोमीटर है जिसमें हम क्या करते हैं, इमल्शन ब्रेक डाउन तो नहीं हो रहा है, इमल्शन का सेपरेशन तो नहीं हो रहा है, उसको हम चेकआउट करते हैं इस मशीन के थ्रू। ये मशीन हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है। ओके, जिससे हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं अपने मटेरियल को। ओके, कि ऑयल फेस वाटर फेस सेपरेशन तो नहीं किया रही है। अच्छा अच्छा, अलग अलग तो नहीं हो रहा है वो सब चीजें। ये प्रोसीजर हमारा क्रीम्स में होता है बेसिकली, मटेरियल को चेक करने के लिए प्रॉपर तरीके से बनाए कि नहीं जी। ओके ओके, तो गाइज आपने सब चीज़ें देख ही ली है, पूरी फैक्ट्री देख ली है, कैसे काम होता है, वन बाय वन सारे स्टेप्स देख लिए हैं, तो मैम एड्रेस और बता दीजिए। देखिए सर, हमारा जो एड्रेस है वो सेज अपोथिकेरी प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 516, PCT2, सेक्टर 37, गुरुग्राम।
तो गाइज आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, थैंक यू सो मच गाइज।